जिलाधीश कांगड़ा द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी बाढ़ प्रभावित मंड क्षेत्र का दौरा करने पहुंची। अगस्त महीने में पोंग डैम से व्यास नदी में छोड़े गए पानी से आई भारी बाढ़ के चलते मंड क्षेत्र में जो नुकसान हुआ था उसके चलते ऐसी जल शक्ति विभाग नूरपुर विकास बख्शी की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा मंड प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया। मौके पर उनके साथ माइनिंग विभाग के ऑफिसर नीरज कांत, SDM इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर, एक्सियन जल शक्ति विभाग, एक्सियन लोक निर्माण विभाग तथा अन्य कई विभागों के कर्मचारी इस टीम के मेंबर हैं और साथ रहे। इस मौके पर टीम ने उन सभी स्थलों का निरीक्षण किया जहां से पानी से अधिक नुकसान पहुंचाया है व इसके साथ साथ टीम ने मंड क्षेत्र का दौरा किया। जानकारी देते हुए SDM इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि टीम द्वारा क्षेत्र में जितने भी लूज पॉइंट थे वहां पर जाकर एक एक का निरीक्षण किया और आगामी कार्रवाई के लिए जल्दी ही इसकी रिपोर्ट DC कांगड़ा को दे दी जाएगी। SC साहब जो है IPH के SC नूरपुर, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी DC साहब ने बरसातों में जो ये नुकसान हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर जो है लूज पॉइंट थे जहाँ से पानी अंदर घुसा था, तो हमने उनकी इंस्पेक्शन की है लूज पॉइंट की एंड हम जो है हम इसकी एक SC साहब एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को भेजेंगे, DC साहब को भेजेंगे एंड अकॉर्डिंगली इस पर कार्रवाई की। सर कौन कौन सा टीम है आज इसमें जो कमेटी जो बनाई गई है उसमें एक्सन इलेक्ट्रिसिटी, एक्सन IPH, एक्सन PWD, SC साहब उस कमेटी के अध्यक्ष हैं एंड मुझे बतौर मेंबर और इसके अलावा जो है माइनिंग ऑफिसर और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी जो है कोई सदस्य बनाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।